Hi everyone, आज का लेक्चर मैं कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन पे लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि कैसे वुमेन राइट्स स्टार्ट हुआ, कैसे वुमेन राइट्स के मूवमेंट के थ्रू वुमेन राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे इस इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वुमेन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया एंड थ्रू दिस It has been incorporated in the national legislation and take the appropriate steps to guarantee that women and girls throughout the country have the chance to enjoy equality in their lives. UN ne is instrument ko adopt kiya on 18 December 1979 and it came into effect on 3rd September 1981. This international convention is structured similarly to the convention on the elimination of all forms of racial discrimination by signing the convention governments agree ki kaise hum adopt kare wo steps jiski wajah se jo discrimination kiya jata hai against women ke usko eliminate kiya ja sake aur men and women ko equal opportunity equal chance diya ja sake in all the spheres of life chahe wo public ho chahe wo private ho जो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो यूएन ने अडॉप्ट किया था दैट वाज प्रीवियसली वर्क्ड ऑन कि कैसे वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए और उनकी मिनिमम मैरिज एज को एक फिक्स किया जाए बट सीईडीएडब्ल्यू वाज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन बिकॉज बाय दिस राइट many other rights has been recognized in order to protect the women and also save them from any exploitation countries that have ratified the convention are expected ki wo apne national legislation mein is CEDAW se related jo articles hain wo bhi apne constitution mein incorporate kare and it mandate all countries to eliminate discrimination against women 189 countries have ratified CEDAW This means that these countries have agreed to do everything they can do to guarantee that women and girls can enjoy their rights on an equal basis with men and boys. इस कन्वेंशन को ह्यूमन राइट्स का सोल माना गया बिकॉज ये पहला इंस्ट्रूमेंट था इंटरनेशनल जिसमें वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव राइट्स की भी बात की गई एंड रिकॉग्नाइज कल्चर ट्रेडिशन एज पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन जेंडर रोल्स एंड फैमिली रिलेशनशिप्स इट एड्रेसेस वुमेन ऑफ ऑल एजेस including elderly women, young girls. So through this convention, all the groups of women has been recognized. They are in charge of monitoring the rights and ensuring ki they are respected by both men and women. The convention aims to acknowledge all forms of discrimination against women in their respective countries, civil, political, social, economic, legal and cultural lives. So by this instrument, what they have done, ki jo bhi countries mein jo bhi women hain, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कल्चरल लीगल वट एवर द स्पेयर ऑफ देयर लाइफ दे विल नॉट गोइंग टू बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स एंड सच एजेंडाज एम टू अचीव जेंडर इक्वालिटी बाय एम्पावरिंग वुमेन एंड एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम जेंडर इक्वालिटी हैज रिसीव्ड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ अटेंशन इन द परस्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट इज लिंक्ड टू ऑल ऑफ द SDGs. इंडिया ने CEDAW को रेटिफाई किया इन 1993 में फिर लेटर ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी निकाला गया जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है CEDAW का वो 1999 में अडॉप्ट किया गया बट इट केम इनटू फोर्स इन 2000 बाय दिस ऑप्शनल प्रोटोकॉल व्हाट दे हैव गिवन टू द वुमेन एंड द गर्ल्स की वो अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो डायरेक्टली सबमिट कर सकती हैं CEDAW कमिटी को इफ दे कंसिडर कि उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड जो CEDAW करती है वो वायलेट हो रहे हैं एंड द CEDAW कमिटी कैन प्रोवाइड रीड्रेस सो जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल था इट एस्टेब्लिश एन इंक्वायरी प्रोसीजर इनेबलिंग द CEDAW कमिटी टू एड्रेस सिस्टमैटिक एंड वाइड स्प्रेड वायलेशन विच मे बी इंस्टिगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी सोर्स सो जो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन का जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल था दैट वॉज टू गिव द प्लेटफॉर्म टू register or to submit their complaints directly to the committee which would be going to investigate and on that basis of information received from any source they will going to work on that
जो CAW है उसके अंदर 30 आर्टिकल्स हैं, माइट बी यू नॉट गेट अवेयर अबाउट इट, बट CAW के जो 30 आर्टिकल्स हैं वो UDHR से थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं। सो CEDAW के जो आर्टिकल्स हैं उनको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। जो आर्टिकल 1 से लेके 5 तक आर्टिकल्स हैं दैट आर जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द कन्वेंशन दैट टॉक्स ऑन कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन है, क्या डिफाइन किया गया है थ्रू दिस कन्वेंशन और हाउ द स्पेशल मेजर्स टू बी टेकन आउट। आर्टिकल 6 टू 16 स्पेसिफिक सब्सटेंसिव इश्यूज एड्रेस के, आर्टिकल 17 टू 23 कमिटी एंड प्रोसीजर्स के रोल्स एंड 23 टू 30 एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रेशन का वर्क रिकॉग्नाइज किया गया बाय दिस। सो आर्टिकल 1 टॉक्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यू कुड इजिली लर्न दीज आर्टिकल्स, आई विल प्रोवाइड यू सम ऑफ द ट्रिक्स हाउ टू लर्न देम। जो आर्टिकल 1 है उसमें डिफाइन किया गया कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है थ्रू द लाइट और इन द आई ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट पॉलिसी मेजर्स टू बी टेकन, जो अगेंस्ट वुमेन के जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड विल वर्क टू एंड इट। सो दिस इंक्लूड्स अबॉलिशिंग ऑल एग्जिस्टिंग लॉज, कस्टम्स एंड रेगुलेशन दैट आर डिस्क्रिमिनेटरी। आर्टिकल 3 गारंटी बेसिक ह्यूमन राइट्स। सो 3 से बेसिक ह्यूमन राइट्स यू कुड लर्न दैट गवर्नमेंट विल टेक ऑल एप्रोप्रिएट एक्शन जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि एडवांसमेंट होना चाहिए वुमेन का एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वालिटी विद मेन। आर्टिकल 4 टॉक अबाउट टेम्पररी स्पेशल मेजर्स की जो प्रोग्राम्स है, कुछ ऐसे एक्शन जिसकी वजह से वुमेन्स का डेवलपमेंट हो, वुमेन्स की एडवांसमेंट हो। आर्टिकल 5 टॉक्स ऑन सेक्स रोल्स एंड स्टीरियोटाइपिंग दैट इट विल एलिमिनेट कल्चर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है, वी कैन नॉट लेट वुमेन टू वर्क ऑन, वी कैन नॉट लेट वुमेन टू अर्न फॉर देयर ओन। दिस गोइंग टू बी एलिमिनेट दिस आर्टिकल 5 प्रोक्लेम। आर्टिकल 6 ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन, गवर्नमेंट वर्क टू एलिमिनेट ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ वुमेन। 6 से ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन। 7P, अगर 7 को अपोजिट करो तो इट सीम्स लाइक पी, तो पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ के बारे में बात करता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 इज रिलेटेड टू नेशनल इंटरनेशनल, तो इट प्रोटेक्ट इट प्रोक्लेम कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेशन कर सकती हैं जो वुमेन हैं, दे कैन रिप्रेजेंट देयर गवर्नमेंट एट इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। सो आर्टिकल 9 यू कुड लर्न फ्रॉम 9 से नेश 9N nationality, तो government will grant women equal right to change or retain their nationality and that of their children. 10 से education, 10th तक as you could learn by this कि 10th तक education is mandatory, so equal rights in education. Article 10 talks about education. 11 employment, 12th health, 12 से health, so you just rhyme out 12th health. तो article 12th बोलता है कि हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग विल बी गिवन एंड गवर्नमेंट विल एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की हेल्थ केयर उनको नहीं अच्छे से दिया जाता तो दे विल प्रोवाइड देम विद इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। आर्टिकल 13 3 स्पेयर्स में बात कर रहा है ये इकोनॉमिक लाइफ की भी, स्पोर्ट की भी और कल्चर की भी, तो इन दिस वे यू कुड लर्न कि आर्टिकल 13 टॉक्स इन 3 स्पेयर्स। सो दिस विल एक्ट टू एलिमिनेट कि जो इकोनॉमिक सोशल अवेयरनेस है, वुमेन विल हैव इक्वल एक्सेस टू फैमिली बेनिफिट्स लोन्स एंड क्रेडिट। आर्टिकल 14 इट टॉक्स ऑन रूरल वुमेन कि इट विल इंश्योर जो पर्टिकुलर नीड्स है रूरल वुमेन की, दे आर टू बी मेट इन रिलेशन टू एक्सेस टू सर्विसेज, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट और स्कीम्स एंड एक्ट टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। तो 14 इज रिलेटेड टू रूरल वुमेन। 15 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर द लॉ कि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ एंड बिफोर द लॉ नो विल बी गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट कि वो वुमेन है मेन है तो दे आर गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट। दिस इज नॉट गोइंग टू बी प्रैक्टिस आउट। 16 मैरिज एंड द लॉ, यू कुड लर्न कि 16th पहले 16th की एज तक मैरिज का मतलब एज कंसेंट कर रखा था, तो यू कुड लर्न फ्रॉम दैट कि आर्टिकल 16 इज मैरिज एंड द लॉ, गवर्नमेंट विल इंश्योर कि मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट टू चूज अ स्पाउस एंड टू मैरी, द सेम राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन मैरिज एंड ऑन डाइवोर्स। आर्टिकल 17 एंड 22, इन दिस आर्टिकल व्हाट टेक प्लेस कि जो कंट्रीज हैं वो सबमिट करते हैं इनिशियल रिपोर्ट
within the 1 year of the country ratification of the convention and its entry into force. By this, they make recommendation. जो कमिटी है वो इस जो reports उनको मिली होती हैं countries से उस पर recommendation बनाते हैं to speed up progress based on the report and the dialogue in the concluding observation. So committee can also adopt general recommendation on thematic or other issues. Article 23 to 30 it talks ki ye jo articles hai it deals with the administration of CEDAW because isme include kiya jata hai ki kya possibility hai jisse ki accept kare CEDAW subject to reservation how to resolve any dispute between country concerning the interpretation or application of CEDAW. So this was all about the international convention which is very much useful ki kaise इट हेल्प करा कैसे इनेबल करा कि वुमेन्स के राइट को और अपग्रेड किया एंड हाउ इट हेल्प्स टू मेक द मोर पावर टू द वुमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.